अधिकतर लोगों का मानना है कि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान लोगों को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई टॉपर्स भी इसी तरह की सलाह देते हैं और ये बात सही भी है, लेकिन एक सच ये भी है कि सोशल मीडिया एक टूल है जिसके परिणाम उसे उपयोग करने वाले पर निर्भर करते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो आपको 2002 में यूपीएससी में चयनित समीर सौरभ की बात सुननी चाहिए, जिनका मानना है कि यदि सोशल मीडिया का ढंग से सही ढंग से यूज किया जाए तो ये आपकी तैयारी में बाधा बनने के बजाय आपकी सहायक बन सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समीर सौरभ ने अपनी तैयारी के दौरान सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और लगातार 2 बार यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचें, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो सच तो यह है कि सोशल मीडिया यूपीएससी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी की दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है और होना भी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म हमारे संचार के तरीके में भारी बदलाव ला रहे हैं। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स? फर्स्ट इज पिक द राइट प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल दुनिया 100 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से भरी पड़ी है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। संक्षिप्त में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोशल मीडिया पर नहीं पा सकते। नवीनतम समाचार, अपडेट और विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान से लेकर क्विज और उपयोगी टिप्स तक आप सब कुछ यहाँ पा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर मौजूद हर प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेनी होगी। 2 या 3 चैनल चुने जो आपके प्रयासों के लिए आवश्यक हैं और आपके समय को सही तरह से उपयोग करने में सहायक हों। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आपने कुछ अच्छे कोचिंग संस्थान चैनलों और द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्रों की पोर्टल्स की सदस्यता ली है। नेक्स्ट इज कलेक्ट द स्टडी मटीरियल। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स बनना कोई वाकई आसान काम नहीं है और हर दिन मोटिवेटेड रहना, खुश रहना, आश्वस्त रहना भी कोई आसान काम नहीं है। तैयारी की इस यात्रा की एकर सता और कठोरता कभी कभी आपको हतोत्साहित कर सकती है। इसलिए जब भी आपको तैयारी छोड़ने का मन हो या आप हतोत्साहित महसूस कर रहे हो तो आप प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं या आईएएस टॉपर्स की सफलता की कहानियां देख सकते हैं। आप अपनी जीत की रणनीतियों का पता लगाने और उन्हें लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। तो यदि आप समसामयिक मुद्दों से अवगत रहने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म असीमित सामग्री के द्वार खोलते हैं, जो जैसे कि ई समाचार पत्रों, ब्लॉगों और ई पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार स्ट्रीमिंग होती रहती है। और अच्छी बात यह है कि यह सब आपकी इच्छा अनुसार आपके सामने उपलब्ध रहता है, यानी कुछ भी जानने के लिए आपको किसी खास समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जब चाहें सूचना आपके सामने उपलब्ध होगी। नेक्स्ट इज बिल्डिंग नेटवर्क। तो सोशल मीडिया पे यूपीएससी के कई ग्रुप होते हैं जिसमें अच्छा स्टडी मटेरियल आता है, वहां से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इन ग्रुप्स में अपने डाउट्स भी रख सकते हैं और हेल्दी डिस्कशंस भी कर सकते हैं। समान लक्ष्य वाले लोग अगर इसकी सहायता से जुड़ पाए और इसका सकारात्मक उपयोग हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज स्ट्रेस बस्टर। तो सोशल मीडिया एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी हो सकता है, लेकिन तभी जब आप इसका उपयोग सीमित रखें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो चीज़ आपके दिमाग को तनाव मुक्त रखती है उसकी आदत भी बहुत जल्दी लोगों को लग जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल आप सीमित ही रखें। तो सोशल मीडिया महज एक टूल है जो कि अपने आप में बुरा नहीं है, दरअसल एक दुधारी तलवार की तरह है। अगर आप सोशल मीडिया का सही उपयोग नहीं करेंगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, वहीं ये बेहतर तैयारी में भी आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर ले, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।